नमस्कार, बालाघाट न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ यमलेश वंजारी। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि बालाघाट जिला अस्पताल से डी टाइप के 20 सिलेंडर नदारद पाए गए हैं। आज सहायक कलेक्टर दलीप कुमार के द्वारा जब जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया तो इस निरीक्षण में यह खुलासा हुआ कि जिला अस्पताल में रखे 20 डी टाइप के ऑक्सीजन सिलेंडर गायब है, जिसको लेकर सहायक कलेक्टर के द्वारा जिला कलेक्टर दीपक आर्य को रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई है। इस रिपोर्ट के आधार पर जिला कलेक्टर के निर्देश पर तहसीलदार और टीआई को इन सिलेंडरों के यूनिक नंबर के आधार पर पता साझी किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही ऐसे लोग जिनके द्वारा इन सिलेंडरों को गायब करने में अपनी अहम भूमिका अदा की गई है या उनकी संलिप्तता इसमें पाई गई है, ऐसे लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने और रासुका की कार्यवाही करने के लिए भी कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया गया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही ऐसी खबर आई थी कि कोविड महामारी के बीच जहां ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी की वजह से जनता तड़प रही है, वे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडरों के लिए वे ऊंचे दाम देने के लिए तैयार है, इसके बावजूद उन्हें सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। इस बीच हमें कुछ दिन पहले एक खबर मिली थी कि जिला अस्पताल से कुछ सिलेंडर जो है उन निजी अस्पतालों में ट्रांसफ़र किए गए हैं, जहाँ कुछ डॉक्टरों की पार्टनरशिप या उनके साथ उनकी मिलीभगत है। तो यह बड़ी खबर है इस वक्त की, जिला अस्पताल बालाघाट से 20 जो है ऑक्सीजन सिलेंडर जो है डी टाइप के वो नदारद पाए गए हैं। इस बारे में जो सहायक कलेक्टर है दलीप कुमार, उनके द्वारा जिला कलेक्टर को इसकी संपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। तो ये बड़ा मसला है, बड़ा मामला है जिले का अब तक का, कि कोविड महामारी के दौर में जहाँ संक्रमण की वजह से लोग हलाकान हैं, परेशान हैं, लगातार मौतें हो रही है लोगों की, ऑक्सीजन सिलेंडरों की वजह से भी हमने देखा कि कई लोगों ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। इस बीच इस तरह की शर्मनाक घटना को कारित करना कितना बड़ा गुनाह है, यह तो आने वाले समय में पता चलेगा जब इसके दोषी पकड़े जाएंगे। उनके ऊपर आखिरकार प्रशासन किस तरह से कार्यवाही कर पाता है, किस तरह से पेश आता है, यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं यह मानवता को कलंकित करने वाली खबर है। जिन डॉक्टरों के द्वारा या कर्मचारियों के द्वारा जिस ऑक्सीजन की कमी के बीच जिला अस्पताल के एक सरकारी अस्पताल से 20 सिलेंडरों को गायब करवा देना, यह एक बड़ा मुद्दा है। ऐसे मामलों में चाहे दोषी कोई भी हो, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। अब देखना यह होगा कि आखिरकार प्रशासन इस मामले में कब तक अपनी कार्यवाही को अंजाम दे पाता है। फिलहाल कलेक्टर के निर्देश पर दलीप कुमार के द्वारा तहसीलदार बालाघाट और TI बालाघाट को इन सिलेंडरों के यूनिक नंबर के आधार पर पतासाजी किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि बालाघाट जिला अस्पताल से 20 जो है डी टाइप के सिलेंडर नदारद पाए गए हैं। सहायक कलेक्टर दलीप कुमार के द्वारा जब जिला अस्पताल का निरीक्षण किया गया तो इस निरीक्षण में इस बात का खुलासा हुआ है कि कुछ जो सिलेंडर है यानी 20 सिलेंडर जो है वो नदारद पाए गए हैं, और इसकी संपूर्ण रिपोर्ट उन्होंने जिला कलेक्टर दीपक आर्य को प्रस्तुत कर दी है। अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जो कि वारासिवनी क्षेत्र से है। वारासिवनी क्षेत्र के विधायक प्रदीप जायसवाल, जो कि वर्तमान में खनिज निगम के अध्यक्ष है, भाजपा के सपोर्ट से उनके द्वारा एक बड़ा आरोप लगाया गया है जिला कलेक्टर पर। भेदभावपूर्ण यह आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा है कि वारासिवनी में पिछले 12 दिनों से वे लोग कोविड सेंटर बनाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन का इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। जिला कलेक्टर केवल बैठकों में ही अपने निर्देश जारी कर रहे हैं, लेकिन हकीकत के धरातल पर कोई बड़ा काम नहीं हो रहा है। इसका खामियाजा वाराणसी क्षेत्र की जनता को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने ये बड़ा आरोप लगाया है। दरअसल वाराणसी क्षेत्र में 50 बेड का एक कोविड सेंटर तैयार किया जा रहा है पिछले 12 दिनों से, लेकिन यह अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। इसी को लेकर जो है वाराणसी क्षेत्र के विधायक ने कलेक्टर पर भेदभावपूर्ण आरोप लगाया है। उन्होंने मंत्री पर भी यह आरोप लगाया है, शासन प्रशासन में बैठे लोगों पर भी आरोप लगाया है कि उन्हें केवल बालाघाट जिले की चिंता है, बालाघाट शहर की चिंता है, बाकी क्षेत्रों की कोई चिंता नहीं है। उन्होंने यह आरोप इसलिए लगाया है क्योंकि वहां पर कोविड सेंटर का निर्माण अभी तक पूरा नहीं हुआ है। जो पलंग वहाँ पर लगाए गए हैं उनके ऊपर अभी तक गद्दे नहीं बिछे हैं, जबकि उनके द्वारा एक कोविड का फंड बनाकर कुछ समाजसेवियों के माध्यम से ऑक्सीजन सिलेंडर भी प्रदाय किए गए हैं। ऑक्सीजन जो कंसंट्रेटर जो मशीनें हैं वो भी प्रदाय की गई है, लेकिन अब तक यह कोविड सेंटर
शुरू नहीं हुआ है, जिसे वाराणसी क्षेत्र की जनता जो है कोविड महामारी के बीच त्राहिमाम कर रही है। इसी को लेकर प्रदीप जायसवाल ने यह आक्रोश जाहिर किया है, गुस्सा जाहिर किया है और उन्होंने कलेक्टर के ऊपर सीधे सीधे भेदभावपूर्ण आरोप लगाया है, क्योंकि वाकई में यह देखने मिल रहा है कि जिले में जो है कोविड की स्थिति लगातार बिगड़ते जा रही है, लगातार लोगों की मौतें होते जा रही है। इस बीच कई क्षेत्रों में अभी भी जो है कोविड सेंटर पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुए हैं। पिछले दिनों बैहर क्षेत्र के विधायक संजय सिंह उइके ने भी केंडाटोला में एक निरीक्षण किया था, केंडाटोला में जो कोविड सेंटर बना है उसका निरीक्षण किया था, जिसमें भी यह बात सामने आई थी कि वहां के डॉक्टरों ने स्वयं यह बताया था कि ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी है, जिस पर जो विधायक है बैहर क्षेत्र के संजय उइके, उन्होंने भी यह कहा था कि वे जब कलेक्टर से बात करते हैं तो कलेक्टर सब सही है कह देते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ होता नहीं है, इस तरह की बात उन्होंने भी कही थी। तो कहीं ना कहीं यह गंभीर मामला है कि पिछले 12 दिनों से वाराणसी में जो है कोविड सेंटर बनाने की तैयारी चल रही है, लेकिन अभी तक वह पूरा नहीं हुआ है, अनकम्प्लीट है। तो इसे लेकर तो कहीं ना कहीं यह बड़ा गंभीर मामला है और कहीं ना कहीं यह लोगों के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ का मामला है, क्योंकि जिस तरह से प्रदीप जायसवाल ने प्रशासन के ऊपर निशाना साधा है, तो वो कहीं के गंभीर संकेत भी दे रहा है कि कहीं ना कहीं वाराणसी में जो है स्थिति लगातार बिगड़ते जा रही है, क्योंकि कोविड सेंटर के अभाव में जो है ज़्यादातर मरीज जो है परेशान हो रहे हैं। जिला अस्पताल में व्यवस्थाओं को लेकर हमने पहले ही देखा है कि किस तरह से यहाँ पर मारामारी रही है, और इसके बाद जितने भी सेंटर्स बने हैं उनमें भी लगातार मरीजों की संख्या बढ़ते जा रही है। इस बीच अगर यह खबर आती है कि विधायक के द्वारा जिला कलेक्टर के ऊपर में इस तरह का आरोप लगाया जाता है कि उनके द्वारा भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यह गंभीर मुद्दा है। वाकई में ऐसे मामलों पर प्रशासन को सतर्कता के साथ काम करने की ज़रूरत है, उन्हें सभी क्षेत्रों की ओर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर वे एक शहर को ही देखेंगे तो बाकी के क्षेत्रों में स्थिति बिगड़ सकती है। तो प्रदीप जायसवाल जो कि विधायक है वाराणसी से, इन्होंने यह बड़ा आरोप लगाया है जिला कलेक्टर पर कि उनके द्वारा कोविड सेंटर बनाने में यहाँ पे देरी की जा रही है, भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। जायसवाल जी, आप जिले में आपदा प्रबंधन देने के बजाय स्टाफ ले लिया, हम यहाँ चाहते थे सरकार हमको, शासन हमको, जिला प्रशासन हमको ऑक्सीजन की व्यवस्था करे। पाइपलाइन बिछ गई ना, ऑक्सीजन लगेगी नहीं लगेगी, आज 12 दिनों का ऑक्सीजन की व्यवस्था की, तो हम जनता को क्या जवाब दें? हम जनता का जवाब ये दे रहे हैं कि भैया हम माफी चाहते हैं, कोई सेंटर नहीं खुल रहा है। जितनी आपदा प्रबंधन समिति, जसवाल जी, आपदा प्रबंधन समिति में आप भी बैठे थे, जिला कलेक्टर भी जब लॉकडाउन बनाया 50-50 बिस्तर का आश्वासन दिया था आयुष मंत्री ने, सारे नेताओं का समय, कलेक्टर का समय सिर्फ मीटिंग में जा रहा है, कोई क्षेत्र में देखने नहीं आ रहा है किसका इलाज क्या हो रहा है, कोई मरीज को हाथ लगाने को तैयार नहीं, कोई किसी डॉक्टर पे किसी का कोई अंकुश नहीं है, किसका इलाज क्या हो रहा है, कोई भगवान भरोसे मरीज चल रहा है, जो मर गया उसको गाड़ी देते ले जाते, ये चल रहा है सर। मीटिंग में पूरा समय जा रहा है, मीटिंग कलेक्टर कटंगी जाते हैं, जब वाराणसी का हॉस्पिटल नहीं खुल पा रहा है कोविड सेंटर, कटंगी जाने की क्या जरूरत है आपको? अरे कटंगी वाले तो वाराणसी आ रहे हैं, आप कटंगी जाके जनता को बेवकूफ बना रहे हो, पहले वाराणसी का हॉस्पिटल चालू करते उसके बाद कटंगी का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह से पूरा दिखावा चल रहा है, पूरा मजाक चल रहा है, मजाक जनता के साथ। भैया आखिरी सवाल, क्या शासन को या प्रशासन? प्रशासन जवाबदार, पूरा जिला प्रशासन पूरा जवाबदार, जिला प्रशासन हमारे जैसे नेता वो जवाबदार है कि हम समन्वय नहीं बैठा पा रहे, जनता को हम राहत नहीं दे पा रहे, हम तो हमको कुछ नहीं मालूम किसी को कहाँ मरीज का क्या इलाज हो रहा है, किसको इंजेक्शन लग रहा है, इंजेक्शन कहाँ जा रहे हैं, नहीं इलाज। इधर इस मामले को लेकर एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि कुछ जो है भाजपा नेताओं ने विधायक प्रदीप जायसवाल की शासन स्तर पर इस तरह के आरोप को लेकर शिकायत भी कर दी है, जिसके चलते उनका जो निगम के अध्यक्ष पद, जो निगम का अध्यक्ष पद उन्हें भाजपा के माध्यम से दिया गया है, उसे छीना भी जा सकता है। ये भी एक बड़ी खबर आ रही है, हालांकि इसकी सत्यता क्या है ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, लेकिन हमें जो विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है उसके अनुसार यह बात सामने आई है कि कुछ भाजपा नेताओं के द्वारा, विधायक जायसवाल के द्वारा जिस तरह से जिला प्रशासन पर आरोप लगाए गए हैं, जिस तरह से भेदभावपूर्ण रवैये के आरोप शासन प्रशासन पर लगाए गए हैं, उसे लेकर मुख्यमंत्री से यानी कि शासन स्तर पर शिकायत की गई है, जिसके बाद उनका जो निगम अध्यक्ष का पद है वो खतरे में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं उन्हें इस पद से हटाए जाने की मांग भी किए जाने की बात सामने आ रही है, हालांकि इसकी सत्यता क्या है ये तो आने वाला समय ही बताएगा।